तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? मेरा नाम है अविनाश और मैं आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पर धाकड़ रिव्यू पे। और आज मैं जिस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ ना भाई, उस मूवी से भाई इतनी उम्मीदें नहीं थी। और भाई ये मूवी एक अल्टीमेट मूवी है और इस मूवी का नाम है गुना 369। और ये मूवी 2019 में आई थी और इस मूवी का जॉनर है ड्रामा, एक्शन, रोमांस। और भाई इस मूवी की जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है। और इस मूवी को IMDb पे 6.1 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 और गूगल यूजर ने इसे 88% के लाइक्स दिए। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है अर्जुन जिंदल ने। और इस मूवी की कास्टिंग में आपको देखने को मिलेंगे अंगा, कार्तिके, महेश, मंजू और आदित्य। और कार्तिके की भाई कुछ टाइम पहले RX 100 मूवी आई थी और भाई और उस मूवी ने जो कमाल करके दिखाया था ना, वो कमाल आपको उस मूवी में देखने को मिलेगा। और इन दोनों मूवियों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और भाई इस मूवी को ना कम मत समझना और ये मूवी भाई आपको पूरी तरह इम्प्रेस कर देगी। और आपको उस मूवी में देखने को मिलेगा कि भाई जिसकी लाइफ इतनी अच्छे से चल रही है ना, अच्छी फैमिली है और एक अच्छी गर्लफ्रेंड है, लेकिन दोस्त के कॉम्प्रोमाइज की वजह से भाई उसकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है और बस से बदतर हो जाती है। इस मूवी की ना स्टोरी आपको हिला के रख देगी और ये इस मूवी को ज्यादा रियलिस्टिक रखा गया है। और इस मूवी का क्लाइमेक्स ना भाई इस मूवी की जान है। और जब आप इस मूवी को भाई देखने के लिए बैठोगे ना, तो भाई कसम से 2-3 बार तो चौंकने वाले हो, क्योंकि इस मूवी के कुछ सीन ऐसे है ना भाई, मैं खुद सर पकड़ के बोल रहा था कि मैंने कहा भाई ये मूवी तो भाई बहुत ही कमाल की है। और प्लीज इस मूवी को भाई मिस बिल्कुल मत करना। और इस मूवी के अगर फर्स्ट हाफ की बात करें ना, तो इस मूवी का फर्स्ट हाफ में आपको सब कुछ मिलेगा, लव, रोमांस, और कार्तिकेय जो बनना चाहता है उसका एम क्या है उसकी तरफ फोकस रहता है। और इसके सेकंड हाफ की बात करें ना, तो इसके सेकंड हाफ में आपको एक्शन देखने को मिलेगा और कार्तिकेय की बेस्ट एक्टिंग देखने को मिलेगी। और अगर इस मूवी के कुछ माइनस पॉइंट की बात करें ना, तो इस मूवी में जब कार्तिकेय जेल से वापस आता है तो उसकी फैमिली को देख के ऐसा लगता है कि भाई उनके ऊपर कुछ असर ही नहीं पड़ा कि उनका लड़का जेल से वापस आया और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और उनकी एक्टिंग मुझे कुछ खास लगी नहीं है। और अगर इस मूवी के प्लॉट पे आना, तो इस मूवी में जो कार्तिक का कैरेक्टर है वो एक टेक्सटाइल कंपनी में काम करता है जिसकी सैलरी 19,000 है, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं होता क्योंकि वो अपने नाम के आगे ना बीटेक लगाना चाहता है, क्योंकि वो उसके पापा चाहते हैं कि मेरा लड़का बीटेक में ज्वाइन हो जाए। और उसके लिए वो एग्जाम भी देने जाता है। और जब वो एग्जाम देने के लिए निकलता है ना, तो भाई वो सोचता है कि उसके साथ कुछ अच्छा हो, लेकिन उसकी टक्कर एक लड़की के साथ होती है और वहां पे उसी टाइम से उसका अच्छा दिन स्टार्ट हो जाता है। और वो लड़की एक मोबाइल शॉप में काम करती है। कार्तिकेय बार बार अपना मोबाइल को ना तोड़ देता है जिससे उसकी दुकान पे जाने का उसको मौका मिल जाए। फिर कुछ टाइम बाद एक ढाबे पे उसके दोस्त की लड़ाई हो जाती है, कार्तिकेय को पता चलता है, तो वो मना करता है कि यार मैं तेरी हेल्प नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो लोग बहुत ही खून खराबे वाले लोग है और अगर मैं उनसे बात करने जाऊंगा तो कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए तो प्लीज। लेकिन वो फिर भी बात करने जाता है और दोस्त के कॉम्प्रोमाइज की वजह से उसकी लाइफ जो इतनी अच्छी तरीके से चल रही है किस तरह खराब हो जाती है आपको उस मूवी में देखने को मिलेगा। और ये मूवी भाई आपको बहुत चौंकाने वाली है। तो इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको ये मूवी देखनी है ना, तो इस मूवी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा ना, तो प्लीज भाई वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे एंड सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।